गोर पर गोर गिर रहे हैं तभी नहीं मान रहा है। अच्छा। पैर पर पैर गिरे हैं सब अफसर के, उकराए। हमारे बेटी बेहोश हो गया, सामने देखा है बेहोश हुआ है, तो सामने देख रहा है तभी नहीं छोड़ रहा है। 2 लाख के संपत्ति बर्बाद किया है, 2 लाख के संपत्ति, 2 लाख के कह रहे हैं की यहाँ गुलरेजर सब देखिए ना पूरा धा दिया है, तो गरीब आदमी कहाँ जाएगा? गरीब के बाल बच्चा नहीं पढ़ेगा, गरीब के बाल बच्चा ना खाएगा, और रोड पर चोरी करेगा तो पकड़ के ले जाएगा। वोट द, वोट द, आज अब वोट जीत जाहा तो जा लात पर मार दे थबा, जा जहाँ गरीब जा। आप ये देख सकते हैं गाड़ी पर ये लोग लोडिंग करवा रहे हैं, इसलिए क्योंकि नीतीश कुमार जी का जो पुलिस प्रशासन आप कह सकते हैं, उनका जो अधिकारी आप कह सकते हैं, या नगर निगम का अफसर कह सकते हैं, ये सभी जो है आज आतंक मचा दिए हैं, गरीबों के पेट के ऊपर में बुलडोजर चला दिए हैं। हम क्या, क्या अब नीतीश कुमार आने वाले नहीं है क्या? ये विकास का, ये बिहार में नहीं आने वाले हैं, विकास पुरुष खत्म हो गए, अब इनका जीवन खत्म हो गया, अब ये कहीं नहीं आएंगे। मैं नीतीश कुमार जी सिर्फ यही पूछना चाहता हूँ, क्या ये विकास का तरीका है कि आप गरीबों का जो है उसके सामान के ऊपर में बुलडोजर चलवा दिए, उसको तोड़वा दिए, उसके पेट के ऊपर में लात मार दिए, ये कहाँ का विकास है? आज तक तो हमने ऐसा विकास नहीं पढ़ा है। क्या नाम है ये बताइए? मेरा नाम राजेंद्र कुमार हुआ। राजेंद्र जी कितना दिन से यहाँ पर मटका बेचते हैं? मेरा दादा बेचते थे 1962 से, ये इसी जगह पर, इसी जगह पर, मंदिर नहीं था, मंदिर यहाँ पर झोपड़ी में था, मंदिर बाद में बना, और 1962 से आप इस जगह पर मटका बेचते हैं, और आज जो ये मटका का दृश्य है इस तरह से हम देख रहे, पूरा मटका टूटा फूटा है, ऐसा क्यों हुआ? ये नीतीश कुमार का देना है। क्यों, ऐसा क्यों? नीतीश कुमार कहता है गरीब हटाओ अमीर लाओ, नीतीश कुमार जी कह रहे गरीब हटाओ और अमीर को लाओ यहाँ पर, हाँ पुराना फ्लैट तोड़ो नया फ्लैट बनाओ। इसी को लेकर के आप ये सारा देख लीजिए, ये सब जितना भी चीजें इसी को लेकर तोड़ा गया है, देखिए उसी का आत्मा जलेगा। किसका? नीतीश कुमार का, किसका जलेगा? ये हमको बताइए ऐसा क्यों किया गया है? क्यों किया? देखा है कि गरीब लोग कमा रहे, खा रहा है, ऐसे मुझ से रह रहा है, इसको पहले हटाओ। नहीं, हम बातचीत इसलिए कर रहे हैं आपको, और ये हम विशेष रिपोर्ट इस पर इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि जब बिहारी बाहर जाता है और जब वहाँ पर मार खाता है और कुछ होता है और बिहार आता है तो हम लोग चिल्लाते रहते हैं, हाय देखिए बिहार को मार दिया, बिहारी को मार रहा है यहाँ पर, मार रहा है। और जब अपने अपने घर में बिहारी को इस तरह से हम ट्रीट करेंगे तो क्या होगा? अब यहाँ पूंजी टूटा, पूंजी भी 2.5 लाख का नुकसान किया, तब कहाँ जाएंगे? बाहर जाएंगे कमाने? 2.5 लाख का आपका नुकसान, जिसका कर्जा लिया हुआ तो हमें देना चाहिएगा, 5% पर कर्जा लिया हुआ है, किसी से 30,000, किसी से 25,000, जो मायन का 50,000, 30,000, 40,000, 50,000 बाकी है वो आए करे, छोड़े थोड़ी हो। ये आपको जवाब नहीं दिया, आप यहाँ से साइड कर लीजिए, सीधे आगे तोड़ना नहीं आया, बस खाली एजी ऑफिस के सामने सब हटा रहा था ये बखो सबका, एक बार यहाँ आया बोला कि पर डो थिचरा वो, हम सब सर बोले एक आधा घंटा टाइम दीजिए हटा लेंगे, नहीं 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 किस चीज से तो रहा है? जेसीबी से, जेसीबी से, हाँ जेसीबी सीधा दाब दे रहा था, सीधे दाब दे रहा, देखे ना दाबा वो नजर आ रहा है, तो ये जितना भी चीज इधर इधर आइएगा, ये सब जितना भी चीज है सारा जेसीबी से तोड़ा, जेसीबी से दाब रहा था, जेसीबी से सब तोड़ा। अच्छा। जबकि ट्रांसफार्मर लाइन वाला है उसका अंदर में थे, यहाँ लाइन भी लगने का डर था, सीधा लाइन का प्लास लिया होता काट रहा था, अंदर हिल रहा था, अंदर तोड़ रहा था, और जेसीबी से सारा चीज तोड़ा गया। फिर उधर दूसरा दुकानदार के तोड़ा है, उसका भी तोड़ा है, उधर के माल लोड करके जा रहा, जो बच्चा जो लेके जा रहा है, मेरा तो बचवे नहीं किया, जो थोड़ा सा है ये सामने है, वो माल लोड करके वो ले जा रहे हैं कि इसमें नगर निगम भी ले गई? नहीं नगर निगम का नहीं, जो माल बच गया, जो मतलब नीचे दबा हुआ माल बचा वो छाड़ के ले जा रहा। अच्छा। और जो ले गया ऊपर निमन भी ले गया, उस बुकनी के साथ निमन भी ले गया। ये बताइए इस चीज में ऐसा क्यों कर रहा है? यहाँ इस रोड में तो ज्यादा कुछ है नहीं, आप लोग तो साइड में बेच रहे हैं, इससे ज्यादा सिटी में जाम है, सिटी में कचरा, स्टेशन कचरा, स्टेशन ठीक है हटा दिया, रोड आप क्लियर है, फिर भी सामने जाए महावीर मंदिर सामने जामे मिलेगा, नहीं कि क्लियर मिला, जामे मिलेगा वहाँ, वहाँ गरीब आदमी को हटा सब चल गया मेन ड्राइव पर, मेन ड्राइव पर जाम लगा था वो हटा रहा है वहाँ से भी, तो कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा गरीब? कहाँ जाएगा? वो नीतीश कुमार घर में सोतेगा अब जाके, आपका चोरी करे, डकैती करे। देखिए आज मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बिहार का जो लोग है, जो निचले तबके के लोग है, क्योंकि नेता का प्रकोप इतना अच्छा है बिहार में कि बिहार का जो लोग है उसकी स्थिति क्या है वो आप भी जानते हैं। रोड साइड में जो है मटका बेच रहे थे सब भाई साहब, और इनका मटका का क्या हालत बना दिया है आप देख लीजिए, इधर आइएगा थोड़ा सा, इधर आइए अब, एक एक चीज़ करके थोड़ा सा मटका दिखाइए, ये मटका की क्या स्थिति है, नया नया मटका जो है ये लोग छांट रहे हैं, थोड़ा सा जो टूटा फूटा जो मटका है उसमें से कुछ कुछ मटका छांट रहे, इधर भी थोड़ा सा आइएगा, थोड़ा सा अंदर में आ जाइएगा, ये सब चीज़ थोड़ा सा दिखाते चलिएगा, मैं दिखा रहा हूँ इस चीज़ को क्योंकि देख लीजिए ये अगर जब नगर निगम आई तब ये लोग कुछ कुछ मटका जो है बचा लिए हैं, ये बचा हुआ मटका है, जो बचा हुआ मटका है आप ये देख सकते हैं, ये सब चीज़ जो है हमारे बिहार में हो रही है।
नीतीश कुमार जी का जो प्रशासन आप कह सकते हैं या पटना की नगर निगम जो है, आप लोग यहीं पर थे? आप यहीं पर थे? आप लोग कौन कौन थे यहाँ पर, ये बताइए? आप यहीं पर थे? क्या क्या हुआ था ये बताइए? क्या करेगा, सामान हटा रहा था, डंडा तो मार रहा है पुलिस, मार रहा था पुलिस का साइड ठेल ठेल के हटा रहा है, लेडीज लोड के ठेल दे रहा है। अच्छा, आदमी कमाएगा ना तो चोरी करके खाएगा? हाँ, दारू बिक रहा है उसको नहीं पकड़ रहा है, पिए लगा पकड़ रहा है, कुरान दारू बिक रहा है उसको जाकर पकड़े ना। बिहार में दारू बिकता है, बिहार में चरस गिनता है, गांजा बिकता है, सब बिकता है, सब हो रहा है, सब जाके देखिए ना जाके। अब पी के आ रहा है, पुलिस उसी को पकड़ रहा है, अब पैसा ले रहा है, छोड़ रहा है पुलिस। मार किसको रहा है? गरीब को, गरीब के मार रहा है, मेहनत करके खा रहा है तभी ही आ रहा है, चोरी करके खाएगा तो जेले जाएगा। ये बताइए, कोई करेगा, जाने ना देगा आदमी, जाने देगा आदमी, इसमें क्या कर सकता है? क्या कर सकता है? आप जब बिहार के लोगों को, बिहारी के जी हैं, बिहार नहीं तो कहाँ है, बांग्लादेशी नहीं ना? पटने के जन्म हो सकता है, उन लोगों को लग गया होगा जब आप लोग बांग्लादेश ना, पटने के ये जन्म कर सब ऐजे का, जन्म कर यही का सब ऐजे का। अब बताइए, जब आप ही लोग को मार रहा है तो क्या करिएगा? क्या करेगा आप? जैसे की जितना दिन अल्लाह गाड़ी आएगा तब तक तो खोलबे करेगा, जितना फोड़े मेरा गुमटी था, गुमटी लाद लिया पूरा, गुमटी लेके उठा के चला गया। हां, यहां पर था, बिना बोले हुए, बिना बोले क्या चीज था? सब सामान था, 5000 रुपया था, सब ले गया। बिहार के हैं कि बांग्लादेश के, बताइए? बिहार के हैं। बिहार के हैं, तो आप नीतीश कुमार जी जो है इतना अच्छा बिहार बना रहे हैं, क्या कहिएगा नीतीश कुमार जी को? नीतीश कुमार अब गाड़ी लगाएंगे सब लोग पूरा जगह में। हाँ, और कुछ नहीं तो आप तो, आपको तो उठ गया ठेला, उठ गया जी। हाँ, क्या होगा फिर? आप सब टूट गया, गाड़ी लगाएंगे यही। आप यहीं पर थे चाचा जी, देख रहे थे क्या हो रहा सब था? देख रहे थे क्या हो रहा था? कोई भी इन लोगों को सूचना नहीं दिया गया हटाने के लिए, हटाने के लिए सूचना नहीं दिया, एक वैक जेसीबी लाया और तोड़ना चालू कर दिया, सीधे तोड़ दिया, सीधे तोड़ना चालू कर दिया। अब ये गरीबों का, गरीबों का मेहनत का पैसा आप इस तरह से ये जेसीबी से जो ऊपर चला देते हैं और जेसीबी से बर्बाद, इन लोगों को पेट पर चला है, जेसीबी चला है, इन लोग के सामान पर नहीं चला, इन लोग का पेट पर चला है। अच्छा, अब ये लोग जाएंगे कल से चोरी करने, इन लोगों को जेल करेगा, जेल करके पैसा कमाएगा। चोरी क्या करेंगे, दूसरा राज जाएंगे? नहीं, चोरी दूसरा करेगा, लास्ट में चोरी करेगा, क्या करेगा? मेहनत करके नहीं कमा रहा तो चोरी करके कमाएगा, डकैती करेगा, और क्या करेगा ये लोग? नीतीश कुमार जी तो कह रहे बिहार विकास कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? अब नीतीश कुमार आने वाले नहीं है क्या? ये विकास, ये बिहार में नहीं आने वाले है, विकास पुरुष खत्म हो गए, अब इनका जीवन खत्म हो गया, अब ये कहीं नहीं आएंगे। मैं नीतीश कुमार जी सिर्फ यही पूछना चाहता हूँ, क्या ये विकास का तरीका है कि आप गरीबों का जो है उसके सामान के ऊपर में बुलडोजर चलवा दिए, उसको तोड़वा दिए, उसके पेट के ऊपर में लात मार दिए, ये कहाँ का विकास है? आज तक तो हमने ऐसा विकास नहीं पढ़ा है। हम जितना भी विकास पढ़े हैं उसमें नियम रहता है, उसमें कानून रहता है, हर एक चीज तरीका होता है, विकास करने की भी एक तरीका होता है। आप गरीब को अगर यहाँ से हटा रहे हैं तो उसको दूसरे जगह उसको प्लांट करिए। अगर आपको लग रहा है कि ये लोग रोड साइड में जाकर के ये मटका बेच रहे हैं तब दूसरे जगह इनको दे दीजिए, ऐसा थोड़े मतलब है आप जाकर के बुलडोजर उसके ऊपर में चलवा दीजिए। इधर आइए, थोड़ा सा और मैं आपको चीज़ दिखाना चाहता हूँ, थोड़ा सा इधर आइएगा, हाँ हाँ थोड़ा सा इधर आइएगा, थोड़ा सा इधर देख लीजिए, ये मंजर देख लीजिए आप, जो गरीबों के जो है पेट के ऊपर में जो है बुलडोजर चलाया गया, आप देख लीजिए। बिहार में नीतीश कुमार जी का जो प्रशासन आप कह लिए, आप ये कह सकते हैं कि पटना नगर निगम कह सकते हैं, देख लीजिए क्या तांडव मचा के रख दिया है, एकदम ये तांडव ही हम कह सकते हैं। अब गरीब के पेट के ऊपर में अगर उसका 50,000 का ही नुकसान हुआ है तो आप जानते हैं एक एक रुपया कहाँ से आता है, वो कहाँ से अरे इधर इधर आइए आंटी, थोड़ा सा इधर आइएगा आंटी, आप यहीं पर थे? अच्छा, एक मिनट इधर 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 थोड़ा साइड हो जाएगा, थोड़ा सा क्या बोले आप? 300 का गमला ऊपर उठाइएगा थोड़ा सा इसको, हाँ ये तोड़ दिया है, इस तरह से तोड़ दिया है, तो बाहर के बाहर से सहेगा गमला, जब वो पौधा लगाने वाला गमला चीज तोड़ रहा है, कहता है कि हम पौधे लगाएंगे और जल योजना करेंगे, जल जीवन और हरियाली, जिस जल जीवन और हरियाली पर हम बातचीत करते हैं, हरियाली किस चीज से आती है? आप गमला लगाइए, गमला में पौधा लगाइए और ये देख लीजिए गमला की स्थिति, आप देख लीजिए ये पटना नगर निगम के द्वारा जो है ये इतना कम जो गमला है वो तोड़ दिया गया। कितना गमला था? 300 का था, 200 गमला ही था, 300 का गमला था, 200 गमला था, सारा तोड़ दिया, सारा तोड़ बुलडोजर दाब दिया नीचे, देख रहे नहीं रहे? देखिए पानी पीने लगा, फैला था, बंगाल से आता, इधर आइएगा चाची, क्या बोल रही थी? तोड़ दिया वो किरान पलाट के सब ले गया, 2,00,000 के संपत्ति बर्बाद किया है, 2,00,000 के संपत्ति, 2,00,000 के कह रहे हैं कि यहाँ गुलरेजर सब देखिए ना पूरा ढा दिया है, तो गरीब आदमी कहाँ जाएगा? एगो राण मोसमात खोल के गरीब के बाल बच्चा नहीं पढ़ेगा, गरीब के बाल बच्चा ना खाएगा और रोड पर चोरी करेगा तो पकड़ के ले जाएगा, तो हमनी के दुकान देवे, हमनी किराया देवे तो दुकान भी नहीं दे रहा है, पुल के किनारे दुकान दे देता हमनी के तो गरीब आदमी जीता ना, आए पुल तर कौची हो रहा है, कुछ हो रहा है तो वो भी नहीं दे रहा है, इस साइड में कौची आएगा, गाड़ी घोड़ा आएगा,
इमें कौची जाएगा, ये तो साइड है, न रोड जाम है न कुछ। कर रहे हैं नीतीश कुमार जी पटना विकास आए तो विकास कर रहा है तो गरीब के मार के एक बार आया एक बार तोड़ दिया, न बोला न चला। शीला रानी आया था वही कहा है कि पूरा कर दो, शीला रानी का डीएम है कि कहा है वही सब कहा है, तीन बार आया तोड़ दो तोड़ दो बुलडोजर चला दो। हाँ भाई एकदम देह पर हमार बेटी बेहोश हो गया, सामने देखा है बेहोश हुआ है तो सामने देख रहा है तभी नहीं छोड़ रहा है। जिसके पेट के ऊपर में बुलडोजर चलेगा वो आदमी तो बेहोश होगा। आई बेहोश हो गया कि सब लोन पर रुपया लेके आई सब हम लोग भर ले रहते हैं। लोन पर रुपया लिए थे तो क्या कर रहे थे, हमने के इतना पूंजी है तनी तो छोड़ देता कि हाँ आप लोग हटा लो, ये तुनो कहता कि हटा लो, हम लोग हटाई का हटा रहे ना, वैसे भी कहता कि हटा लो। एकदम किरान भिड़ा के एकदम सारा ले गया, चुकनी करके गाड़ी पर लोड करके ले गया है बीगेला। अब बताइए कि बिहार में गरीब कैसे रहेगा। वोट द वोट द, आज अब वोट जीत जाहा तो जा लात पर मार दे थबा, जा जहां गरीब जा तो गरीब ला जगह दीजिएगा ना। गरीब के नाम पर बहुत ज्यादा वोट होता है, बहुत ज्यादा जुमला होता है। हाँ, गरीब कहाँ जाएगा। फिर चुनाव हो रहा है 2024 के इलेक्शन होगा, कहेगा कि वोट दीजिए हमको, दीजिए हमको। आज जब जीत जाएगा तो जाओ मारो मारो उसको, फोड़ो फाइन लो पकड़ के ले जाएगा। जाए ना जीपीओ गोला मरपा, मुस्लिम है ना सब मिल के मारता है नगर निगम वाला के। हमनी दू गो चार गो दुकान है, हम लोग क्या करेंगे बोलिए। देख लीजिए नीतीश कुमार जी, ये आप ही का राज है और आप ही के राज में हम सब चीज दिखा रहे हैं। 17-18 साल से आप बिहार को बहुत विकास कर दिए, सचमुच इस विकास से पूरा जनता खुश है। खुश है ना जिस विकास से? खुश तो है ये, हाँ। बाकी बर्बाद जो कर दिया नीतीश कुमार जी के विकास से जो सब लोग खुश है, खुश है हाँ। यही दिखा रहे, खुशी दिखा रहे, कितना आप लोग खुश है। तरीका कर दिया, कितना दिन में हमने से कर्जा भरता है दे देते हमारा, इतना फोड़ दे तो। अब ये नीतीश कुमार जी बताएंगे ना देंगे कि नहीं देंगे आपको, क्योंकि रोड साइड में जो आप लोग लगा रहे हैं आपको यहाँ पर तो नहीं दिख रहा कोई जाम, यहाँ पर लगता इतना सुरक्षित जगह पर जाम रहे तब तुम बोलता कि यहाँ जाम रहता है, तुम लोग काहे लगाया, इसमें गाड़ी चलेगा, इसमें गाड़ी चलेगा। बताइए यहाँ पर जो है ये बस स्टॉपेज है, यहाँ पर जो है लोग रुकता है साइड में, और यहाँ पर जो की बस भी यहाँ पर इस साइड में नहीं आती है, और उस स्टॉपेज के पीछे में आप देख सकते हैं, ये जगह दिखा दीजिए, उस स्टॉपेज के पीछे में ये लोग जो है बर्तन यहाँ पर रखा करते थे, पीछे वाला रहे दीजिए, पड़े थे नगर निगम। अरे गोर पर गोर गिर रहा है तभी नहीं मान रहा है। अच्छा। पैर पर पैर गिरे हैं सब अफसर के, उकरा है वकरा। बेटी बेहोश हो गया, कोई इंसानियत रहेगा तब ना जी। देख लीजिए इधर आइए, थोड़ा सा इधर आ जाइए आप लोग। अब देखिए ये लोग जो है इनका सारा सामान जो यहाँ पर तोड़ दिया गया है, यहाँ पर गाड़ी पर जो है अब ये लोग लोडिंग करवा रहे हैं, आप ये देख सकते हैं गाड़ी पर ये लोग लोडिंग करवा रहे हैं, इसलिए क्योंकि नीतीश कुमार जी का जो पुलिस प्रशासन आप कह सकते हैं, उनका जो अधिकारी आप कह सकते हैं या नगर निगम का अफसर कह सकते हैं, ये सभी जो है आज आतंक मचा दिए हैं, गरीबों के पेट के ऊपर में बुलडोजर चला दिए हैं। हम सीधे तौर पर कहते हैं, सीधे तौर पर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये गरीब आदमी है। अब रोड साइड में आप जहाँ पर आपका जो है ये अब देख लीजिए, इतना बड़ा रोड है जहाँ पर गाड़ी जो है आपका बस स्टॉपेज के बगल में लगती भी नहीं थी, उस स्टॉपेज के पीछे में जाकर के ये लोग अगर अब ये 10 रुपया या 5 रुपया बेच करके अगर रोजी रोटी कमा रहा है तो उसमें किसी को एतराज़ नहीं होना चाहिए, और अगर किसी को एतराज़ हो रहा है तो पता नहीं वो क्या चाह रहा है। गरीबों के ऊपर में बुलडोजर चला करके अगर आप विकास करना चाहते हैं तो वैसा विकास हम सबको नहीं चाहिए। सुन लीजिए नीतीश कुमार जी, गरीबों के ऊपर में अगर आप बुलडोजर चला करके विकास करना चाहते हैं तो ऐसा विकास नहीं चाहिए। अगर आपको विकास करना है सचमुच में तो इन गरीबों को कहीं जगह दीजिए, कहीं दुकान दीजिए, वहाँ पर ये लोग जो है आपको पैसा देंगे, दुकान के बदले में पैसा लीजिए, उसके बदले में जो है आप यहाँ पर भी विकास करिए, ना कि किसी गरीब के ऊपर में आए निसहाय है या कोई नहीं है 10 रुपया 15 रुपया का सामान बेचता है तो उसके ऊपर बुलडोजर चला दीजिएगा। बाकी देखते रहिए जो लोग भी जिनके ऊपर जिनके अंदर में भी जो है उनके इंसानियत बची हुई है चाहे जो भी कुछ बची हुई है, इस वीडियो को शेयर करके नीतीश कुमार के पास तक जरूर भेज दीजिएगा ताकि वो भी देखेंगे और शर्म करेंगे अपने इस प्रशासन पर कि इस प्रशासन जो है किस तरह से काम कर रहा है, उनके प्रशासन किस तरह से बिहार में आतंक मचा रखा है, शर्म करेंगे, जरूर शर्म की बात है। हम तो कहते हैं कि गरीबों के ऊपर बुलडोजर नहीं चलना चाहिए। बाकी जो है आपकी क्या राय है, प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। मेरा नाम पंकज झा है, आप रेबल न्यूज इंडिया देख रहे हैं। वीडियो अच्छी लगे तो इसको शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग रेबल न्यूज इंडिया। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।